रसोई कॉर्नर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तीन समर ड्रिंक्स। पहली है स्वीट लस्सी, दूसरी है सॉल्टेड लस्सी या छाछ कह सकते हो, या मराठी में मट्ठा कहते हैं वो भी कह सकते हो, और तीसरा है मसाला छाछ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है होममेड दही, ये कम से कम 8 से 10 चम्मच हमने लिए हैं। ये हम अब 10वां चम्मच डाल रहे हैं। जितना दही हमें चाहिए हमने उतना लिए। अब हम इसे अच्छी तरह से फेट कर लेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा ठंडा दूध, ये उबाल कर ठंडा किया हुआ दूध है। जब भी लस्सी बनानी हो तो पानी की जगह आप दूध डाला करें। और अब हम इसमें डाल रहे हैं 4 चम्मच चीनी के, और फिर से फेंटे जब तक चीनी पिघल ना जाए, तब तक अच्छी तरह से फेंटना है। कभी भी लस्सी ठंडी अच्छी लगती है, इसके लिए अब हमने इसमें डाले 3 आइस क्यूब्स। और अब इसे थोड़ा फिर से फेंटेंगे और फिर हमारी ठंडी ठंडी लस्सी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। पर स्वीट लस्सी पर अगर हम ऊपर से 1 चम्मच मलाई डाल दें तो उसका स्वाद और भी बढ़ता है। इसके लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच मलाई। और अब हमारी स्वीट लस्सी मलाई मारकर बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे सॉल्टेड लस्सी, तो चलिए उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 प्याली भर के दही। अब हम बना रहे हैं छाछ, और छाछ बिल्कुल पतला अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें डालेंगे ढेर सारा पानी। यहाँ पर हम 2 ग्लास पानी मिलाने वाले हैं। ये हो गया हमारा दूसरा ग्लास भी मिलाकर। अब हम इसे थोड़ा फेंट लेंगे अच्छी तरह से। छाछ अच्छी तरह से फेंट कर होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी जीरा पाउडर, ये 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाले हैं हमने। और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और छाछ को ठंडा करने के लिए अब हमने डाले हैं 3 आइस क्यूब्स, और फिर से अच्छी तरह से फेंटेंगे। और अब अच्छी तरह से फेंट कर होने के बाद हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। हमारा ठंडा ठंडा छाछ बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाने वाले हैं हमारा तीसरा समर ड्रिंक मसाला छाछ, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले है मसाला छाछ, जिसके लिए हमने लिए हैं कुछ कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, लहसुन, जीरा और अदरक का टुकड़ा। पहले हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और फिर दही में डालेंगे। अब इन सारी चीजों का हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हमने पीस लिए हैं। अब हमने यहाँ पर लिया थोड़ा सा दही। अब उसमें हम डाल रहे थोड़ा सा नमक, और जो ये हरा मसाला हमने पीसा था उसका पानी। अब पहले हम इसे थोड़ा फेटेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत सारा पानी। ये मसाला छाछ बहुत ही पतला बनता है, तो इसमें काफी पानी डालें। असल में ये हम मिक्सर में भी बना सकते थे, पर इस तरह भी बनाया जा सकता है। और अब हम इसमें डालेंगे ठंडा होने के लिए आइस क्यूब्स। और अब हमारा ठंडा ठंडा मसाला छाछ बिल्कुल रेडी है। इसे चाहे तो आप धनिया पत्ता से गार्निश कर सकते हो। आखिर तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।